जी, सो गाइस इट्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई एम योर नंदनी मैम। चलो जी, क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ x plus y इज इक्वल टू w plus z, तो यू हैव टू प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। भाई ये तो बड़ा आसान सा काम है, चलो इसको फटाफट से सॉल्व करके स्यापा खत्म करते हैं। आ जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट डाउन गिवन क्या चीज है आपको। गिवन इज x plus y इज इक्वल टू w plus z, इसे मान लो I1, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब देखिए AOB जो लाइन है हमें ये प्रूव करना है, तो आप यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं यूज कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। कई बार क्या करते हैं हम, ऐसे लिख देते हैं x plus y is equal to 180 degree, w plus z is equal to 180, हम वो चीज नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ जी मैम, की वो डिपेंड ही करता है लाइन में। हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड तो तभी करेगा ना जब वो लाइन गिवन होगी, तो यहाँ पे हमें नहीं पता इट इज अ लाइन और नॉट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम इस पॉइंट का सहारा लेंगे। यस मनन आप बताओ। मैम पहले हम हम x plus y plus w plus z is equal to 360 degree। यस, तो यहाँ पे हम एट वन पॉइंट आपका जो एंगल सम एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो हम वही लिख लेते हैं x plus y plus w plus z is equal to 360 degree। ओके, रीजन दे देते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ पॉइंट, एंगल्स एट अ पॉइंट, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके जी, अब यहाँ पे हम एक ट्विस्ट करते हैं, वो ट्विस्ट क्या है कि हम थोड़ी सी ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, हम w और z की जगह x plus y लिख रहे हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन i1, अब आप देखो इक्वेशन i1 से मैंने w plus z की वैल्यू क्या ले ली, x plus y, तो यहाँ पे देखो x plus y प्लस x प्लस y, ठीक है, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है, दो चीजें सेम है तो ऑब्वियसली 1 प्लस 1 2 होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, x प्लस y इक्वल टू 180। यस, तो x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 2, व्हिच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो जब भी ये हमारा क्या है, रिवर्स थ्योरम आ जाती है, एक्सिनोम है हमारा, थ्योरम नहीं है एक्सिनोम है ये, तो ये उसके अकॉर्डिंग क्या था, जब भी आपके दो एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, तब वो जो लाइन जिस पे वो लाई करते हैं दैट इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, सो देयरफॉर AOB इज अ लाइन, ठीक है जी। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, क्लियर है जी। चलो Yes, ma'am.